और मध्य प्रदेश के विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है और आज सदन में नर्सिंग घोटाले पर हंगामा होने के पूरे आसार हैं। पहले दिन नर्सिंग घोटाले पर सड़क से सदन तक हंगामा दिखाई देगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दो टूक लहजे में कहा, हमारी सरकार डरने वाली नहीं है क्योंकि कल जबरदस्त हंगामा कांग्रेस ने किया है। उत्तेजना से कोई बात करे ये सुनने की आदत हमारी भी नहीं है। उधर विधानसभा अध्यक्ष ने नर्सिंग घोटाले पर आज चर्चा कराने पर सहमति दी और कहा कि प्रश्नकाल के बाद इस पर चर्चा होगी। ये प्रश्नकाल के बाद अब हंगामे के आसार तो पहले ही दिन से बने हुए हैं। बहरहाल आज देखना होगा कि आज जब सदन की कार्यवाही शुरू होगी तो इस कार्यवाही के दौरान क्या सकारात्मक तरीके से उन मुद्दों पर चर्चा हो सकेगी जिसके लिए ये सदन बुलाया जाता है। और चूंकि 19 ही तारीख तक सदन चलना है तो क्या सिर्फ हो हल्ला और हंगामे का ही ये शिकार हो जाएगा पूरा का पूरा सदन का ये समय, अब देखना ये भी होगा क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता के लिए ये बहुमूल्य समय है। इसी सदन में प्रदेश के लोगों के विकास कार्यों पर, उन प्रस्तावों पर बातचीत होती है, चर्चा होती है। अगर ये सकारात्मक तरीके से होगी तो निश्चित रूप से उसका प्रतिफल लोगों को मिलेगा, लेकिन अगर हो हल्ला हंगामा होगा तो इस पूरे समय को पूरी तरह से व्यर्थ होते देखना काफी दुखद होता है। वासु हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। वासु, अभी तक की जो कार्यवाही हुई है उसमें बहुत ज्यादा सकारात्मक कार्य नहीं हो पाए हैं, क्या आज हम ये उम्मीद करें कि कुछ सकारात्मक काम हो पाएंगे सदन में? बिल्कुल, देखिए कल से विधानसभा का जो बजट सत्र है, मानसून सत्र है, वो शुरू हुआ है। आज सदन का दूसरा दिन है लेकिन इस समय मध्यप्रदेश में नर्सिंग घोटाला बहुत गरमाया हुआ है और इसकी चर्चा पूरे देश में चल रही है। सीबीआई जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है, मामला कोर्ट में भी है, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। लगातार कार्रवाई की जो मांग है वो की जा रही है। विपक्ष का ये कहना है कि लाखों छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ और जिस तरीके से फर्जीवाड़ा इस पूरे कोर्स को कराने में हुआ है, इसके कॉलेजेस के संचालन में हुआ है, उन मरीजों के साथ भी फर्जीवाड़ा हो रहा है जो जो उन नर्सेस के हाथों या जो पैरामेडिकल के जो स्टूडेंट्स आते हैं निकलकर उनके हाथों इलाज ले रहे हैं, जिनकी प्रॉपर ट्रेनिंग या प्रॉपर पढ़ाई इस पूरे फर्जीवाड़े, इस पूरे घोटाले के कारण नहीं हो पाई है। यही वजह है कि यह मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। कल कांग्रेस के तमाम विधायक सदन में एप्रिन पहनकर पहुंचे थे और गांधी प्रतिमा के सामने जमकर विरोध प्रदर्शन भी किया था। लगातार विपक्ष मांग कर रहा था कि नर्सिंग घोटाले पर चर्चा की जाए। आखिरकार विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने इस मांग को माना और आज प्रश्नकाल के बाद नर्सिंग घोटाले पर चर्चा होगी। कांग्रेस ने अपने सभी विधायकों को तथ्यों के साथ सदन में आने के लिए कहा है और आज इस पूरे मामले को लेकर सदन का गरमाना बिल्कुल तय माना जा रहा है। दूसरी तरफ एक और जहां विधायक सदन के अंदर सरकार को घेर रहे हैं तो यूथ कांग्रेस जो है वो लगातार सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है। कल सड़कों पर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और आज इस सत्याग्रह की जो शुरुआत है वो की जा रही है। बोर्ड ऑफिस चौराहे पर नर्सिंग घोटाले के खिलाफ सत्याग्रह पे जो है वो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता बैठेंगे 24 घंटे, पूरे दिन रात ये सत्याग्रह जारी रहने वाला है। तो आज का दिन सदन की कार्रवाई में बेहद ही जो तीखे तेवर है विपक्ष, वो कहीं ना कहीं नजर आएंगे। और एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि आज मुख्यमंत्री भी सदन में मौजूद रहेंगे और नए कानून पर वो अपनी बात रखेंगे। इसके अलावा जो अलग अलग विधेयक हैं वो भी सदन में आज लाए जाएंगे। जो सदन का जरूरी बिजनेस है उसको भी पूरा कराने की सरकार की इस विरोध और हंगामे के बीच पूरी कोशिश उठाया गया है चर्चा के लिए। इस पर हंगामे ही के आसार वासु दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल उम्मीद हम कर सकते हैं कि जो आप जानकारी दे रहे हैं कि प्रस्ताव लाए जाने हैं प्रदेश के विकास के संबंध में, वो चर्चा के लिए लाए जाए, उन्हें रखा जाए और उसे पारित किया जाए और लोगों तक उसका लाभ पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया वासु आपका इस पूरे मामले पर जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अमरवाड़ा की जंग की, जहां अमरवाड़ा उपचुनाव में कांग्रेस ने अपनी ताकत झोंक दी है। दरअसल इस उपचुनाव के प्रचार में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी उतरेंगे।